इसमें योगी सरकार आएगी, काम अच्छा हुआ है, इसमें वैक्सीन जल्दी आई है, सबसे पहले बुज़ुर्गों को लगाई है, बुज़ुर्गों का सम्मान दिया है उन्होंने, और हमारी बहन बेटियों का जो पहले बाज़ारों में निकलना मुश्किल था। यहाँ मेरठ में जो है बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाए, क्योंकि यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, कोई पुल नहीं बना है, अंडरपास में पानी भरा रहता है, पिछली बार तो बस भी डूब गई थी, उसमें दो चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। बस सभी विकास कर रहे हैं, बड़े ही हुआ नहीं है। हमारा ये कहना है जी कि बीजेपी आवेगी और अब का सातों सीट जीतते हैं। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मेरठ में। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी ने 6 विधानसभाएं जीती थी और एक समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी की अपार सफलता थी क्योंकि 7 में से 6 सीटें जीती थी। हालांकि मेरठ शहर से जो बीजेपी के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो चुनाव हार गए थे और समाजवादी पार्टी ने मेरठ शहर विधानसभा पर कब्जा किया था। अब यूपी किसका होगा, आखिर क्या हालात हैं, लोगों से पूछते हैं कितना बीजेपी ने विकास किया है। क्या नाम है आपका? श्यामपाल तोमर, नंगलामल से। श्यामपाल जी, अभी क्या हालात लग रहे हैं, किस यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, क्या कहना है आपका? इसमें योगी सरकार आएगी, काम अच्छा हुआ है, इसमें वैक्सीन जल्दी आई है, सबसे पहले बुज़ुर्गों को लगाई है, बुज़ुर्गों का सम्मान दिया है उन्होंने, और हमारी बहन बेटियों का जो पहले बाज़ारों में निकलना मुश्किल था वो आसान हुआ है, और पढ़ाई पे जोर दिया। कितना विकास हुआ है, आप क्या मानते हैं कितना विकास हुआ? हमारी नज़र में तो काफ़ी विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। रोडों के हाईवे बना दिए हैं बहुत बड़े बड़े, और आपके पुल हैं, अंडरपास हैं, तो मतलब सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो आपको लगता है कि पूरा विकास हुआ है? और हमें लगता है पूरा विकास हुआ है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? अनिल त्यागी जी। अनिल त्यागी। अनिल जी, इलेक्शन होने को है 2022 का, क्या कहना है? देखो, हमने जानकारी ना है, फिर भी आप किसको वोट देंगे, क्या कहते हैं, सरकार ने क्या काम अच्छा किया, बुरा किया, कैसा किया? ना ठीक किया, जैसे भी किया, इतनी जानकारी है। क्या अच्छे काम हुए हैं सरकार में? ये हाईवे पाइवे निकले हैं जिनसे आप आमे जामे हैं, ये वैक्सीन भी आई है, वैक्सीन लगी है, यही है। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार त्यागी। योगेश जी, 2022 में चुनाव होना है, कितना विकास बीजेपी ने किया है, क्या कहना है आपका? बस सभी विकास कर रहे हैं, बड़े ही हुआ है नहीं है, और बीजेपी की आवेगी। क्या क्या काम हुए हैं आपके, कोई भी कुछ काम है जो है, ये जो भी काम, हाँ सभी काम हुए हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या कहना है आपको चुनाव? हमारा ये कहना है जी कि बीजेपी आवेगी और अब का सातों सीट जीतेगी। बहुत बढ़िया काम करे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हम अपने पशुओं की रखवाल करें, सारी रात को भैंस खुल जावे, कटड़े खुल जावे, सब बंद हो गए, लड़की कहीं घूमो कोई छेड़छाड़ नहीं है, और इसलिए हम तो वोट भाजपा को देंगे। नहीं, सड़कें तो बेहाल हैं। हाँ, सड़कें तो बनाई बनाई हैं, उन तो सबके सामने है। नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं, ये नहीं है, क्या कहना है? बरसात में तो खड्डे होते ही हैं, बरसात अब उनकी मरम्मत हो रही है। अभी पेपर में देखो कितना 1200 करोड़ रुपया मेरठ को दिया, उड़ान हमारे यहाँ से बहुत जल्दी होने वाली है। तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, हम तो बीजेपी को ही वोट दे। आपका क्या नाम? मेरा नाम यशपाल है। यशपाल जी, क्या कहना है आपका चुनाव? चुनाव के बारे में मेरा कहना ये है कि यहाँ मेरठ में जो है बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, कोई पुल नहीं बना है, अंडरपास में पानी भरा रहता है, पिछली बार तो बस भी डूब गई थी, उसमें दो चार लोगों की मृत्यु हो गई थी, और जो है रोज़गार के नाम पे जीरो है। यहाँ युवा परेशान हैं, और मतलब किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सब लोग परेशान हैं। जो है बीजेपी सरकार में कोई भी किसी प्रकार के जो वादे किए गए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आपको मानते हैं कि किसान मुद्दा भी इस बार रहेगा, किसानों का जो आंदोलन चलना है वो भी? किसानों का मुद्दा तो है ही, किसान तो बेचारा सड़कों पे है, परेशान है। जो है जो पूरे देश का अन्नदाता है वही इस सरकार में परेशान है, तो आम आदमी का क्या होगा? और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर अब के वीयूपी किसकी होगी। क्या नाम है? भीम सिंह एडवोकेट। भीम सिंह जी, क्या कहना है आपका चुनाव पे? चुनाव में तो देखो, आने वाले समय में 6 महीने में पता चलेगा किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन मुद्दा तो वही है, विरोधी पार्टी बहुत सारी है। नहीं, क्या मानते हैं, क्या क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे आप वोट देंगे, क्या क्या कहना है? मुद्दा क्या, तो मिली जुली सरकार आएगी, अब कहते बीजेपी तो आने की नहीं।
आपके किसानों का क्या लगता है, किसान जो आंदोलन चल रहा है वो कितना हावी रहेगा इस? बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। क्या क्या हावी रहेगा? आपके जो सरकार आएगी मिली जुली आएगी, जिसमें तीन पार्टियों का बिल्कुल सबसे ज़्यादा सभी सहयोग रहेगा, रालोद बी एसपी और सपा। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार गोयल। गोयल जी, अब 2022 में जो चुनाव होना है आपका क्या कहना है, बीजेपी ने कितना विकास किया? देखो, हर पार्टी आती है वो विकास करती है, जो समाजवादी हो, बहुजन समाजी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस आई हो, हर आदमी अपने मुद्दे पर विकास करती है। वो अपना झंडा भी बनाती है कि मुझे इस 5 वर्ष में ये कार्य करना है, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि वो अपनी सरकार को गलत चलावे। मायावती जी, उन्होंने बहुत बड़ी सरकार चलाई, अखिलेश जी ने थोड़ी सी हल्की सरकार चलाई, वो अपने चाचा बच्ची जी में घुसे रहे। बीजेपी है, ये साधु बाबा हैं, ये अपने गंगा घाट के लिए देख रहे हैं और हिंदू समाज के लिए देख रहे हैं। क्या लगता है आपको आने वाले जो चुनाव हैं उसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो मेन ये रहेंगे कि किसने विकास करा, किसने जनता का फायदा करा, किसने स्टूडेंटों को फायदा दिया, किसने क्या सेवा करी है, किसने फायदा किया है। बीजेपी ने लोगो बीजेपी ने भी तो इतना नहीं करा स्टूडेंट का, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत फायदा करा, लोगों को स्कॉलरशिप बराबर मिली है, उसमें मेरा बच्चा भी है, मुझे कम से कम 3 लाख स्कॉलरशिप अखिलेश यादव को जमाने में मिली। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आपके लोगों, समाजवादी पार्टी पे अभी इतने मेंबर नहीं है कि वो प्रदेश के अंदर सरकार बना ले। मायावती जी हमारी बेचारी नोवल में हो गई हैं, इसलिए सरकार तो देखो वो मेहनत करेगा, वो बनाएगा, फिर जनता फैसला करेगी, आप हम नहीं करेंगे, ये फैसला करेगी जनता। तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहे, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ये रहेंगे चुनाव बढ़िया हो, मशीन कभी बंद हो जाती है कभी खुल जाती है। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब के बीजे क्या मुद्दा रहेगा 2022 के चुनाव में। क्या नाम है? भाई साहब अर्चित शास्त्री। अर्चित जी, क्या मानते हैं आप 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे और चुनाव किस बेस पर होगा? भाई साहब, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक मेन मुद्दा है जी, धर्मांतरण का। जो ये मुस्लिम लोग के नेता है, ये धर्मांतरण कराते हैं, ठीक है, हमारे हिंदू लोग धर्मांतरण नहीं कराते। तो इस वक्त मेन मुद्दा यही है कि धर्मांतरण जितना कम से कम हो। तो इस वजह से हर तरीके से हम तो योगी सरकार ही लाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। कितना विकास किया है सरकार ने? जी विकास तो जी आप भी देख रहे हैं, सारे के सारे कोरोना काल से निमटी है। अगर और कोई होता वो तो भड़क जाता है बिल्कुल ही, बस ये दूसरों पर दोष आरोपित करते हैं सारे के सारे। आप देख रहे हैं कितने हाईवेज वाईवेज बन गए हैं, ठीक है, और जहाँ जहाँ वो बने हुए थे, क्या कहते हैं उसे, हमारे मंदिर थे, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर करके अपने वो बना लिए, किसी ने मस्जिद बना ली, किसी ने घर बना लिए, उन्हें सब हटवा के वहाँ से उन्होंने क्या कहते हैं इसे मंदिर ऊपर लाए हैं। तो ये सब है, वरना फिर बताओ हम कहाँ रह जाएंगे हिंदू। तो आप मानते हैं कि धर्म मुद्दा रहेगा? धर्म मुद्दा तो जी सबसे ज़्यादा रहेगा इस बार, सारे मुद्दे इन्होंने ख़त्म कर दिए, मेन तो धर्मांतरण का है, ये तो हमें हिंदुओं को ख़त्म करने के उसमें है। तो लगातार आप देख रहे हैं मेरठ में मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लगातार लोग कुछ बीजेपी के सपोर्ट में भी है और कुछ बीजेपी के खिलाफ भी हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।